दुबई विच आयोजित हुई महिला कबड्डी लीग विच उमा कोलकाता दी टीम चैंपियन बनी है। फाइनल मुकाबले विच कोलकाता दी टीम ने पंजाब पैंथर्स नूं पटकनी दित्ती है। दस दिए कि उमा कोलकाता नूं जेतू बनाउण दे विच उहनां दी टीम विच खेड रही हरियाणा दे जिला सरसा दे पिंड भोडलियां वाली निवासी लवप्रीत कौर पुत्री गुरमीत सिंह पंधेर दी विशेष भूमिका रही है। उमा कोलकाता नूं जेतू बनाउण ते 1 करोड़ दा पुरस्कार वी मिलिया। लवप्रीत कौर की टीम के जेतू बनने के पश्चात उन्होंने घर से वधाई देने वाले का तांता लग्या होया है। इस मौके उन्होंने पिता गुरमीत सिंह ने दसिया कि लवप्रीत कौर 2 जुलाई को पिंड भडोलियां वाली वापस परती है, जिसनों लैके परिवार और पूरे पिंड खुशी का माहौल बनया होया है। उसके आगमन की खुशी में पूरा पिंड स्वागत की तैयारियों जुटिया होया है। तुहानू दस दी कि लवप्रीत कौर एक मध्य वर्गी परिवार तो संबंधित है। उन्होंने पिता आरोही मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल महमूदपुर रोई विच बतौर सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते हैं। वो 4 भैन भाई हैं। लवप्रीत कौर ने शुरुआती दिनों विच पढ़ाई दे नाल कबड्डी की तैयारी कर रही थी। उसका प्रदर्शन हमेशा चंगा ही रहिंदा सी। तस्वीरां भी साफ तौर ते तुसीं देख सकते हो कि किन्ना गर्म जोशी दे नाल लवप्रीत कौर दा जिहड़ा भरवां स्वागत किया जा रहा है। इस मौके ते लवप्रीत कौर ने की कुछ कहा तुसीं भी जरूर सुनो अते उन्हां दे कोच ने की कुछ कहा वह भी तुसीं जरूर सुनो। बिल्कुल जी, साडे इलाके वास्ते बड़े माण वाली गल है। एक छोटे जे पिंड दे विचों एक छोटे जे घर चों उठ के और साडी बच्ची ने इन्नी मेहनत करके और एडा वड्डा मुकाम हासिल कीता है कबड्डी दे विच पूरी। मैं वो साडे पिंडर साहब ने पा रखी सी पोस्ट नूं उहदे विच देखिया, क्योंकि मैं खुद कबड्डी का प्लेयर रहा और जो मूवमेंट सी जो खेडण दा तरीका सी वो लहजा सी साडी बच्ची दा, और मैं उम्मीद करदा साडी बच्ची बहुत अगे तक जाएगी। और मैं अज जिला प्रधान कार बाजार एसोसीएशन होने के नाते पूरी एसोसीएशन वालों अज साडी बेटी का मान सम्मान किया गया है। तो मैं बेटी के फादर साहब नूं इन्हां दे परिवार नूं नानकियां नूं दादकियां नूं और स्पैशल तौर पर कोच साहब नूं मैं इस गल की बधाई दिना। पर कितना कित अज मैं वो कहिंदे ना तुसीं तुहानूं पता ही है मीडिया वालियां नूं भी मेरे तो बोलन तो रहा नहीं जाता। सानूं खुशी बहुत आ, पर अज मैनूं एक छोटा जिहा गम भी है कि मैं देख रहा साडी बच्ची जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज तक का सफर, जिंदगी का सफर, क्या कामयाबी मिली उसके लिए बहुत बहुत सबका। इतना मेरा स्वागत के लिए जो जो आए हैं उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद उनका। और कितनी टीमें थी जिनके साथ ये क्वालिफाइड किया गया था, अपना पूरा किया, कौन सी टीम से जीत हासिल की? 250 बच्चे थे जिन्होंने ट्रायल दी थी, उसमें से 120 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 8 टीमें थी और उनमें से हमारी उमा कोलकाता टीम फर्स्ट आई थी और सेकंड पंजाब सेकंड आई थी। तो उनमें से आगे बच्चे 8 टीमों में उनका विभाजन किया गया था। तो किस तरह का आपका सफर रहा यहाँ से लेकर दुबई तक पहुँचना और आज गोल्ड लेकर वापिस आए हैं, और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत डिफिकल्ट रहा है, स्टार्टिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज जब गोल्ड लेके वापस आई हूँ तो बयान नहीं कर सकती अपना मतलब खुशी को। स्टार्टिंग से जो मेरे साथ मतलब मुश्किलें आई रास्ते में, अपने कोच माँ बाप की सहायता से मैंने मतलब सब कुछ पार कर दिया। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपना जीत का श्रेय अपने माता पिता और कोच साहब को देना चाहूंगी। तो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, भव्य स्वागत भी किया जा रहा है, रोड शो निकाला जा रहा है, इतनी कभी सोचा था कि इस खेल में आएंगे और इस तरह से जीत हासिल होती और इतना स्वागत होगा? एक बार तो मैम सोच लिया था कि शायद कामयाबी ना मिले, लेकिन अपने कोच साहब और माता पिता की चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो, शायद आगे जिंदगी का भी अपने मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। लेकिन फिर कहते हैं कि रेगुलर स्ट्रगल जारी रखा और धीरे धीरे आज कामयाबी फाइनली मिली। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक को, पेरेंट्स को, जो लड़कियों को कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ना चाहिए?
मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, स्पेशली लड़कियों को, और उनको आगे बढ़ने का एक मौका जरूर दें। और मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक बार अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका जरूर दें, और मतलब ताकि वो अपने गांव का, शहर का, अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकें। खुशी तो होती है, अपने बहुत छोटे लेवल से बच्चा, जीरो से स्टार्ट कराया था मैंने इसको, और आज इतने बड़े लेवल में पहुंचता है, तो खुशी तो कोच को होती है। परेशानी एक तो ये होती है, गर्ल्स को कोई घर से बाहर भेज के नहीं खुश होता, और मुझे खुशी है कि इनके माँ बाप ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, 4 साल से बच्चा मेरे पास प्रैक्टिस कर रहा था, और मैं भी खुश हूँ कि मैं उनके भरोसे पे कायम खरा उतरा हूँ, और आज बच्चा कामयाब हो गया, घर लौटा। मैम देखिए, करीबन करीब 250-300 बच्चों ने ट्रायल दिया था, और मेरे ख्याल से शायद इतने ही बच्चों ने ट्रायल नहीं भी दिया था। हरियाणा कबड्डी का गढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई ऐसा बच्चा हो जो पीछे रहना चाहे। इस लड़की ने बहुत बहुत मेहनत की है, बीच में चोट भी लग गई थी इंजरी होने के कारण, इसने छोड़ने का प्लान बना लिया था, फिर भी मैंने जिद करके सिर्फ मगा बेटा एक मौका, एक चांस और करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ भगवान सुन ले, और भगवान ने हमारी सुन ली। मैम खुशियों कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी खिलाओ का जो नारा है मैं उसी पे हूँ, और बेटियों को आगे बढ़ाओ, और बेटी अगर बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब पर सच कहूँ पंजाबी चैनल, इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।